नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको बताया, इम्पॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स की वीडियोस हम लोग ला रहे हैं लगातार। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर एक बार बताया करिए कि वीडियो कैसा लगता है, और दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। नीट की कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो भी होगी, ये सारी जानकारी हम इसी चैनल पर आपको देंगे। और बने रहिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बायोलॉजी का कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। और इसमें से देखिए, क्वेश्चंस बार बार ये आते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट्स है और आप भूल जाते हैं क्योंकि ये याद करने टाइप है। इसलिए इसको हमने एक ट्रिक के फॉर्म में कंपाइल किया है, पीडीएफ के फॉर्म में, और उसको हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक हमने ही बनाया है, कई जगह से हमने इसको कंपाइल किया है, कई जगह से हमने इसको इकट्ठा किया है। जो आसान लगा है उसको हमने करके आपको दिया है। देखिए, इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल आता है, ठीक है। अब वो याद करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है, कि पहले इरा आ जाता है, कि पहले पीरियड आता है, ठीक है, कि पहले आपका इपॉक आता है, क्या आता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है, इरा आता है, ठीक। अब देखिए, एक एक याद करने का कितने इरा होते हैं दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। देखिए, इरा जो है आपका, इराज के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो इराज के लिए हमारा जो ट्रिक है वो है प्लीज़ पे माय चिल्ड्रेंस। क्या है, प्लीज़ पे माय चिल्ड्रेन, इसका मतलब क्या हो, पी फॉर प्री कैम्ब्रियन, पी फॉर पैलियोजोइक, एम फॉर मीजोजोइक, ठीक है, सी फॉर सीनोजोइक। देखिए फिर से यहाँ पे देखिए, प्लीज़ पे माय चिल्ड्रेन, ये हो गया पी फॉर प्री कैम्ब्रियन, पी फॉर पैलियोजोइक, एम फॉर मीजोजोइक, सी फॉर सीनोजोइक, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन क्या था, अर्ली लाइफ स्टेज को बोलते, सबसे पहले जो आया था उसको बोलते थे प्री कैम्ब्रियन। पैलियोजोइक जो एंशियंट लाइफ था, पुराना लाइफ था, ठीक है। मीजोजोइक, मीजोजोइक जो होता है, क्वेश्चन बार बार आता है, वो रेप्टाइल्स और जिम्नोस्पर्म का वो था, ठीक है। मीजोजोइक इज़ द एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और देखिए, सीनोजोइक जो था आपका, वो एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म। जैसा कि आपको पता है, पहले जिम्नो आया, जिम्नो, फिर एनजीओ आया, ठीक है, पहले जिम्नो आया फिर एनजीओ आया। और इसमें रेप्टाइल्स, पहले एप्स आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर आपके क्या बोलते हैं, मैमल्स आए। जैसे जैसे इवोल्यूशन में अगर आप पढ़े होंगे तो सक्सेशन में ऐसे ही होता है। तो पहले क्या था, प्री कैम्ब्रियन को तो आप मान लीजिए वो बहुत पुरानी लाइफ है, ठीक है। फिर पैलियोजोइक आता है, मीजोजोइक आता है। तो पैलियोजोइक में क्या था, एंशियंट लाइफ था, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते थे। और मीजोजोइक में क्या है, रेप्टाइल्स का एज है। और सीनोजोइक में आपका क्या है, सीनोजोइक में आपका रेप्टाइल्स का एज है, और सीनोजोइक में आपका जो है वो मैमल्स का एज है, ठीक है। तो क्या है इराज का ट्रिक, प्लीज़ पे माई चिल्ड्रेन, ठीक, इराज का। फिर देखिए, उसके बाद इरा के बाद आता है पीरियड आपका, ठीक है। तो पीरियड का ट्रिक जो है आपका, वो है कैमल ऑफ एन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर ज्वाइंट क्रैक। जान ही रहे कि वो बैठ जाते हैं कैमल आसानी से, लेकिन उनका जॉइंट्स जो होता है वो क्रैक कर, बैठने में उनको दिक्कत होती है क्योंकि लंबे ज़्यादा होते हैं ना, तो देयर जॉइंट्स क्रैक, ठीक है। तो देखिए, सी फॉर कैम्ब्रियन, ओ फॉर ऑर्डोविशियन, देखिए बहुत लंबा याद नहीं होता किसी से, एस फॉर सिलूरियन, डी फॉर डिवोनियन, सी फॉर कार्बोनीफेरस, ठीक है। अब इसके बाद आगे आएंगे, पी फॉर आपका परमियन हो गया, और जे फॉर जुरासिक हो गया, और उसके बाद सी फॉर क्रिटेशियस हो गया, ठीक है। तो देखिए, इरा हमने पढ़ा, पीरियड के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, इस वीडियोस में मैं सिर्फ आपको ट्रिक नहीं बोल देता हूँ कि इसको रट लीजिए, थोड़ा समझाता हूँ उसको कि इसका एग्जांपल्स कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ताकि आपको क्वेश्चन आए तो आप रिलेट कर पाए चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए, कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक। तो पहले तो आपको सारा वो आना चाहिए कि इसके निमोनिक से क्या क्या निकलता है। कैमल, सी फॉर कैम्ब्रियन, ओ फॉर ऑर्डोविशियन, एस फॉर सिलूरियन, डी फॉर डिवोनियन, सी फॉर कार्बोनिफोरस, पी फॉर परमियन, जे फॉर जुरासिक, सी फॉर क्रिटेशियस। सारा याद हो गया आपको, कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक। तीन चार बार वीडियो को देखेंगे अगर, तो बार बार देखेंगे तो इससे आपको याद हो जाएगा ये पूरा। और दो चार बार वीडियो को देखा करिए, इसीलिए छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो बार बार, ठीक। अब देखिए, कैम्ब्रियन था, इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट कुछ कुछ है आपका, जैसे आपका आ जाता है देखिए ऑर्डोविशियन, ठीक है। ऑर्डोविशियन क्या था, इनवर्टिवेट्स का एज था, ठीक है।
ऑर्डोविशियन क्या था, इनवर्टिवेट्स का। अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए मैमल्स का क्या था इरा, तो मैमल्स का इरा क्या लिखेंगे, अभी मैंने पीछे बताया क्या, सीनोजोइक इज द एरा ऑफ मैमल्स। बोल देगा रेप्टाइल्स का तो मीजोजोइक, ठीक है। वैसे पीरियड्स में पूछेगा कि इनवर्टिवेट्स किसका था, तो ऑर्डोविशियन का था, ठीक है। उसके बाद आते हैं, बोल देगा डिवोनियन जो था वो किसका एज था, देखो उसमें फिश बहुत ज़्यादा और फर्न्स, एक तरफ प्लांट का चलता है एक तरफ एनिमल का, तो फिश और फर्न जो थे बहुत ज़्यादा थे उस समय, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है बार बार, ठीक है। फिर कार्बोनीफेरस का पूछ दे कि एज ऑफ एम्फीबियंस फर्स्ट सीड, तो कार्बोनीफेरस में जो था पहला सीड प्लांट बना था आपका, ठीक है, जिम्नोस्पर्म पहला कार्बोनीफेरस में। परमियन में कॉनिफर्स पहले देखे थे ट्रायसिक में, अभी आगे पढ़ेंगे ट्रायसिक के बारे में। फिर देखिए जुरासिक जो था आपको सबको पता है कि डायनासोर्स के लिए था जुरासिक मेनली फेमस, ठीक है, तो जुरासिक जो था आपका डायनासोर्स के लिए फेमस था। उसके बाद आपका आ गया क्रिटेशियस जो था फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स के लिए था, ठीक है, और जुरासिक में जिम्नोस्पर्म ज़्यादा थे, ठीक है, जिम्नो जुरासिक में। ये देखिए पीरियड है वो अभी इपोक हम पढ़े थे, ठीक है, क्या पढ़, इराज पढ़े थे, ठीक है, और ये पीरियड पढ़ रहे हैं। इराज बड़ा होता है फिर उसमें अंदर पीरियड आता है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग है, लेंदी है, इसलिए अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे एक बार तो और कोई चीज़ देखना नहीं पड़ेगा। इपॉक के बारे में देखिए, इपॉक जो था आपका सीनोजोइक, इपॉक जो था वो सीनोजोइक, एक मिनट, इपॉक जो आपका था, इराज हो गया, पीरियड्स हो गया, इपॉक जो आपका था, अब अलग अलग एरा के अंदर इपॉक आता है, ठीक है। तो देखिए सीनोजोइक का मैंने क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन पढ़ा था, फिर हमने प्री कैम्ब्रियन पढ़ा था, फिर हमने मीजोजोइक पढ़ा, सीनोजोइक पढ़ा, ठीक है, फिर हमने चार पढ़ा था हमने, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है। तो हम देखिए इसमें जो पढ़ते हैं मेनली, हमको जो इपॉक पढ़ना हो सीनोजोइक का, ठीक है। देखिए तो सीनोजोइक का क्या है, इनको सीनोजोइक का मैंने बताया था एज ऑफ मैमल्स और क्या जिम एंजियोस्पर्म था, एज ऑफ मैमल्स और एंजियोस्पर्म, इनको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा यहीं से डायरेक्ट, यही क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा एंट्रेंस दिखाइएगा तो, ठीक। इसका एग्जांपल, इसका निमोनिक्स क्या है, पुट एग ऑन माय प्लेट प्लीज हनी, मान लीजिए कोई बोलता है कि प्लीज हनी पुट एग ऑन माय प्लेट, ठीक है। अब देखिए इसका कैसे बनाते हैं, पी फॉर पैलियोसीन, ठीक है, ए फॉर ईओसीन, ओ फॉर ओलिगोसीन, एम फॉर मियोसीन, पी पी फॉर प्लियोसीन, ठीक है, पहले पैलियोसीन था फिर प्लियोसीन आया, ठीक है, फिर पी फॉर प्लिस्टोसिन और एच फॉर होलोसिन, इतने सारे हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी चीज़ है पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, ईयॉन सबसे बड़ा होता है, ईयॉन कई ईयॉन में कई ईरा होते हैं, एक ईयॉन में कई ईरा होते हैं, फिर एक ईरा में कई पीरियड होते हैं, ठीक है, उसके बाद एक पीरियड में कई पॉक होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा ताकि अच्छे से समझ पाए इसको, ठीक है। अब देखिए इसको बस याद कर लेना है, क्या पुट एग ऑन माय प्लेट प्लीज हनी, पैलियोसीन, ईओसीन, देखिए पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन, इतना है आपको याद करना है, ठीक है। और कोई पूछ दे अगर प्रेजेंट चल रहा है उसको बताओ कि कौन सा ईओन चल रहा है, कौन सा इपोक चल रहा है, कौन सा इरा चल रहा है, ये क्वेश्चन आया था एम्स में, आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अभी फेनोलोजोइक ईओन है, सीनोजोइक इरा चल रहा है, क्वाटर्नरी पीरियड चल रहा है और होलोसिन इपॉक चल रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार ट्रिक को रिवाइज कर लेंगे, देखते हैं एक बार, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ला सके। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। देखिए फिर क्या था आपका, सबसे पहले हमने इराज के बारे में बताया, इराज क्या, प्लीज़ पे माई चिल्ड्रेन, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है। अब मीजोजोइक किसका था, एनजीओ जिम्नो और रेपटाइल्स का, सीनोजोइक मैमल्स और एनजीओ का। पीरियड्स के बारे में देखेंगे, कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक, सी फॉर कैम्ब्रियन, ओ फॉर ऑर्डोविशियन, एस फॉर सिलूरियन, डी फॉर डिवोनियन, सी फॉर आपका क्रिटेशियस, फिर उसके बाद जे फॉर जुरासिक, सी फॉर आपका पी फॉर सॉरी परमियन हो गया यहाँ पे, फिर जे फॉर जुरासिक हो गया और सी फॉर क्रिटेशियस हो गया, ठीक है। फिर से एक बार देख लेंगे, कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक, सी फॉर कैम्ब्रियन, ओ फॉर ऑर्डोविशियन, एस फॉर सिलूरियन, डी फॉर डिवोनियन, सी फॉर
आपका लास्ट में क्रिटेशियस आता है, अभी वो पढ़ लेंगे, क्या बोलते हैं कार्बोनिफेरस, ठीक है। एस फॉर सिलोरियन, डी फॉर डिवोनियन, सी फॉर कार्बोनिफेरस, पी फॉर परमियन, उसके बाद जे फॉर जुरासिक, सी फॉर क्रिटेशियस। ये आपका हो गया क्या पीरियड्स। अब आते हैं इपॉक के बारे में, ठीक है। तो इपॉक सीनोजोइक के बारे में, सिर्फ इपॉक याद करना है हमको। पुट एग ऑन माई प्लेट, पी फॉर पैलियोसिन, ई फॉर पी फॉर पैलियोसिन, ई फॉर ईओसिन, ओ फॉर ऑलिगोसिन, ठीक है। पी फॉर पैलियोसिन, ई फॉर ईओसिन, ओ फॉर ऑलिगोसिन, एम फॉर मियोसिन, पी फॉर पी फॉर पैलियोसिन प्लिस्टोसिन, पी फॉर एच फॉर होलोसिन। देखिए तीन पी है, एक से पैलियोसिन होगा, एक से प्लियोसिन होगा और एक से प्लिस्टोसिन होगा। तो ये आपका था प्रेजेंट डे क्या है, फेनेरोजोइक एरा है, सीनोजोइक एरा, फेनेरोजोइक योन है, सीनोजोइक एरा है, क्वार्टरनरी पीरियड है, होलोसिन इपोक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो था इवोल्यूशन से, ये आप पढ़ लिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका श्योर बनना है, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लेके रेगुलर बेसिस पे आ सके। ऑल द बेस्ट।